क्या आप जानते हैं देश का पहला राष्ट्रीय झंडा किसने बनाया? यही नहीं, 1947 को इसे फहराए जाने से पहले भी इसको कई बार बदला गया है। तिरंगा कब और कहां सबसे पहले फहराया गया? आज इतिहास और विकास में हम बात करेंगे देश की आन बान और शान का प्रतीक नेशनल फ्लैग के बारे में। ऐसी बातें जो रोमांचक और रोचक दोनों हैं। हमारे इस केसरिया सफेद और हरे रंग से बने झंडे का निर्माण 1921 में आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया ने किया था, लेकिन उनके इस झंडे को बनाना उनके लिए आसान नहीं था। तिरंगे को बनाने से पहले उन्होंने करीब 30 देशों के झंडों के बारे में पढ़ाई की। हर झंडे का रंग और उसको अपनाने के पीछे की कहानी समझने की कोशिश की, तब जाकर बना हमारा तिरंगा। पहले इस झंडे में ऊपर की तरफ केसरिया रंग की जगह लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि 1931 में उसको बदलकर केसरिया कर दिया गया। देश के झंडे को बनाने में हाथ से बुने हुए कॉटन, खादी और रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया गया। इसकी लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 2 फीट होती है। झंडे के सफेद रंग की पट्टी के बीच अशोक चक्र भी होता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। पिंगली वेंकैया के बनाए गए झंडे को 15 अगस्त 1947 से पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान में अपनाया गया। झंडे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग ताकत और हिम्मत का प्रतीक है, तो झंडे के बीच में दिखने वाला धर्म चक्र और सफेद रंग शांति और सच्चाई का। वहीं हरा रंग हमारी देश की जमीन के विकास और उर्वरता को दिखाता है। पर वेंकैया के 3 रंग वाले झंडे से पहले भी एक झंडा बनाया गया था। ये यूं कह लीजिए कि हमारे तिरंगे की असल शुरुआत 41 साल पहले हुई थी। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक झंडा फहराया गया। वो झंडा लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। लोगों ने उसको अपना तिरंगा माना और वो झंडा कई आंदोलनों में देश का प्रतीक बना। कोलकाता के बाद देश का दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में फहराया गया था। ये तिरंगा पहले की तरह ही था, लेकिन इसके ऊपर की पट्टी पर एक कमल और 7 तारे थे। इसी तरह तिरंगे में लगभग 6 बार छोटे छोटे बदलाव किए गए, जिसके बाद 1931 में आखिरी झंडा लाया गया था। बस इस आखिरी वाले में चरखा था, जिसको हटाकर अशोक चक्र को जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी काफी नाराज हुए थे। कई बदलाव होने के बाद राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। अब तो आप तिरंगे के बनने और बदलाव के बारे में जान गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि झंडा बनता कहाँ होगा? क्या इसे बनाने की कोई खास संस्था है? जी हाँ, भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है, जो झंडा बनाकर सप्लाई करता है। भारत में सबसे बड़ा झंडा राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। ये 613 फीट चौड़ा और 41 फीट लंबा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।